What a tragedy, yaar. Kaash tera dil mujh pe aaya hota. Kasam se 5 lakh deke main yu shaadi kar leti. Hum. Behan ji, aapse shaadi karke roz roz marne se to apni garibi achhi hai behan. Your loss, baby. Okay. Ye dekho, yahan baith ke aish kar rahe hain log. हम इनकी जिंदगी बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ बैठकर जूस पीकर सेहत बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि 5 लाख की इसे नहीं हमें जरूरत है। तो मैं क्या करूँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रास्ते में भीख मांगता फिर अच्छा है। तब तुम लोगों को लगेगा कि मैं परेशान। तुम क्यों बुरा मान रहे हो? ओहो, तुम लोग सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? मैं हूँ ना पीछे पड़ने के लिए। ये सब फालतू बातें छोड़ो यार, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त न्यूज लाया। क्या करीबा? किडनैपिंग का प्लान हो चुका है, वो भी एकदम परफेक्ट प्लान, और मौका भी बहुत अच्छा है। कल आयशा का बर्थडे है, ठीक है? इसके पिता यानी तेरा विद्रोही एक डिनर पार्टी दे रहे हैं, वहां मैं, मेरे माता पिता और इन दोनों के माता पिता है। तुम लोग वहां आके मुझे किडनैप करना इनकी आंखों के सामने। अरे हाँ, फिर तो किसी को जरा भी शक नहीं होगा। विकास जरा सोच ले यार, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। फिर तुमने डैडी से चैलेंज कर लिया? एक तो हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे हमदर्द मिले तुझे। हाँ अच्छा, अब देखो प्लान इज फाइनल, कल रात 10 बजे होटल ड्रीमलैंड। देखो मैं तुम लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दीनानाथ जी को देखकर तुम लोग घबराना मत। क्यों? क्यों? क्या है कि उनका रहन सहन कुछ अलग है। वो कपड़े नहीं पहनते। क्या? नहीं वो उनका स्टाइल अलग है। वो लेकिन दीनानाथ पागल है और उसे देखकर तुम लोग घबराना मत। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? घर से तो निकल गए होंगे। घबराना मत। क्या है कि अब देखो ना वो, अरे आ गए। यस मिस्टर विद्रोही, दिस वे प्लीज। आइए बाबूजी। सुपरमैन नजर न लगे, परी ढूंढी है मेरे बेटे ने। ये ले बेटा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं भी इससे यही कह रहा था कि इसकी क्या जरूरत है, पर इस टेबल पर मेरी कोई। बाबूजी आप बैठ तो जाइए। अच्छा ठीक है। सब तैयार हो ना? हाँ। क्या ये देखो तमंचा, लगता है ना बिल्कुल असली। और ये कंबल, और ये है नकाब। सुनील तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। होली शिट। मेरे पिताजी कहा करते थे जहाँ खाना खाने जाओ वहाँ कुछ भी छोड़ कर मत आओ, वहाँ पाप लगेगा। अरे लेकिन बाबूजी मैं बाहर जाके पान लगवाता हूँ। मेरे दो, मेरे दस पान। आओ आयशा, मीठा सुपारी कत्था लगा के काटे। मेरी फाइल का क्या हुआ जी? विचार कर रहे हैं ना, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गंभीरता से नहीं, जल्दी करो विचार। ये सब कुछ एडजस्ट टू द बिल प्लीज। पान यहाँ भी फोन पर लगे हुए हो। चलो एक मिनट, आई फोन लेटर। बस सॉरी, चलो
पता नहीं बेवकूफ अभी दिखाया नहीं। आइए आइए, कमल आओ। बापू आ गए। ये लो पान भी बन रहा है आपके। दीदी आप कौन सा मीठा खाओगे? हाँ आप क्या लेंगी? हाँ जी मीठा चलेगा, लेकिन बहुत मीठा नहीं। कमाल कर दिया यार, मैं तो समझा तूने इंस्पेक्टर को देखकर प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन तुमने मुझे क्यों खींच लिया? क्या करूं जानू, तेरे बगैर तो एक पल नहीं रह सकता। मतलब ये कि मैं भी तुम्हारे साथ किडनैप हो गई? हाँ। ओफो, हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? हाँ छोड़ना यार उसे। जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, ना जाने वो लोग क्या कर रहे होंगे उसके साथ। मम्मी रो मत, आयशा को कुछ नहीं होगा। चंद्रमुखी देखो, जब तुम खाती पीती नहीं हो ना तब तुम अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारा दिमाग भी सही काम नहीं करता, कुछ भी अनाप शनाप बोल देती हो। अरे पुलिस ढूंढ रही है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भाभी जी अभी जरा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक कोई पता नहीं चला। देखो शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। भाभी जी विकास की किसी से कोई दुश्मनी थी, मतलब ऐसा कोई जिसके ऊपर आपको शक हो? जीजा जी आपकी? मेरी मतलब कि राजनीतिक, ऐसा कोई आपका विरोधी हो? मैं तो गांधीवादी नेता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, बेटे की कोई फिक्र नहीं है। देखो जी किडनैपर्स जितने भी पैसे मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो ना? बड़ा अजीब दस्तूर है हमारा, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन, कौन किससे प्यार करता है कौन किससे प्यार नहीं करता, इसका आदमी फैसला खुद नहीं करता बल्कि दूसरे करते हैं, और हमारे घर में मेरी धर्मपत्नी करती है। इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे विकास से प्यार नहीं करता। अरे तुम होती कौन है मुझे माफ नहीं करने वाली, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने बेटे को गले लगाकर मेरा बेटा करती रहती हो। तुम समझती हो कि तुम उसे प्यार करती हो और मैं उसकी बदमाशियों से परेशान होता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूं। हां ये बात सही है कि मैं कंजूस हूं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, जैसे किसी को रईस बनाया तो किसी को गरीब, किसी को आस्तिक बनाया तो किसी को नास्तिक, किसी को दरिया दिल बनाया तो किसी को कंजूस, मुझे कंजूस बनाया है। और जहां तक मेरी औलाद की जिंदगी का सवाल है, इतना याद रखो शांति देवी कि मेरा नाम भी दीनानाथ सब कुछ वाला है। अरे रुपया तो क्या ये सब कुछ है, कबाड़ खाना सब कुछ बेच दूंगा लेकिन अपने बेटे की जिंदगी पर आंच नहीं आने दूंगा, समझी तुम? बता चट्टन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बता मुझे नहीं मालूम। बता काय चट्टन? रुक जाओ, इसे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारो। ठीक कहती है तुम, इसे छोड़ देते हैं, तुझे मारेंगे सबो, तब ये बताएगा। देख उसको हाथ मत लगाना सबो। कुछ बताया उसने? अभी तक तो नहीं, लेकिन बताएगा, बहुत जल्द बताएगा। कर्नल साहब का हुक्म है कि इन दोनों को उनके दरबार में पेश किया जाए। ठीक है, आप इन दोनों को ले जाओ। इसका एक दोस्त है सुनील, जो इस दिन इसके साथ था, मैं उसे भी ले आता हूं। वैन आ चुकी है, उन दोनों को रिसर्च रूम में कर्नल के सामने पेश करो। सर यह है विकास। इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। कमांडो क्रिप्टन जैसी कीमती चीज को इसके जेब में छुपाकर तुमने अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ शिकार साहब,
क्रिप्टन मिल जाएगा, सिंबल लेके आता ही होगा सर। हाँ मगर उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे कैप्टन। कर्नल साहब, कर्नल साहब मुझे माफ कर दो कर्नल साहब, मैं अंदर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कर्नल साहब, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। कैप्टन, कैप्टन मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, मुझे मत मार कैप्टन, नहीं मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, नहीं 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 कैप्टन नहीं, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। हाँ अब बताओ क्रिप्टन कहाँ है?